ओके सो ये सर्जरी, ये पहले की सर्जरी, सर्जरी से पहले का था और ये नेक्स्ट डे का। नेक्स्ट डे में जो स्टेनिंग होती है वो बताता हूँ नॉर्मल होती है, टेंशन नहीं लेना है, सब पेशेंट में होती है। और अभी 1 मंथ हो गया है और मैं बना रहा हूँ इसके ताकि जो 1 मंथ वाले पेशेंट है, बहुत सारे पेशेंट है 1 मंथ वाले, उनको पता पड़ जाए। सो दिस वॉज बिफोर सर्जरी, ये पेशेंट का था बिफोर सर्जरी, ऐसे प्रोजेक्शन था साइड व्यू के अंदर, ये नेक्स्ट डे का एंड दिस इज नाउ। सो अभी 1 मंथ के बाद में पेशेंट को इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो ध्यान में रखना होता है कि मसाज करना था चेस्ट का। सो हार्ड मसाज ऐसे ऐसे और निप्पल एरिया पे ऐसे ऐसे मसाज। मसाज किससे करेंगे? ऑयल से करेंगे। ऑयल कौन सा? कोकोनट ऑयल बेस्ट होता है या फिर कोई भी मॉइस्चराइजर जो आपको पसंद हो वो यूज कर सकते हैं। कब करना है? नहाने के बाद करना है। नहाने के बाद जब चमड़ी गीली या मॉइस्ट होती है तब करना है। मॉर्निंग में करेंगे मोर देन एनफ। अब क्योंकि 1 मंथ ऑलमोस्ट होने वाला है तो पेशेंट को कंप्रेशन वगैरह कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। पेशेंट को घर पर ही एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, पुशअप स्टार्ट करने हैं तो पुशअप स्टार्ट करो या फिर जिम ज्वाइन कर लो, वो दोनों चीजें कर सकते हैं। देखेंगे प्रोजेक्शन वगैरह सब चला गया, देयर इज नो प्रोजेक्शन, फर्स्ट क्लास हो गया है। एक क्वेश्चन सर गायनेकोमास्टर दोबारा आता है? आंसर है नहीं आता है। अब फर्स्ट सर्जरी ढंग से कर दो, ये कभी भी नहीं आता है। सो बस ये इंस्ट्रक्शन होते हैं पेशेंट को जो कि फॉलो करने होते हैं 1 मंथ वाले इंस्ट्रक्शन।